ओम शांति। आज मैं अपने जीवन में ब्रह्म कुमारी संस्था का प्रभाव और जुड़ाव के बारे में आपसे अपने एक्सपीरियंसेस कुछ साझा करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं जीरकपुर में एडवामेड हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड है उसको चलाता हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बड़ा सात्विक माहौल था। मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मेरे फादर लेक्चरर रिटायर हुए हैं। रोज़ सुबह ना सुबह शाम को कुछ सत्संग, कुछ ऐसी बातें घर पे होती रहती थी जिससे शुरू शुरू में तो ऐसे लगा कि जीवन में इन बातों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर धीरे धीरे जब रियल लाइफ को फेस करा तो उस समय इन बातों का एप्लीकेशन का भी पता चला। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए तब जब रियल सिचुएशंस आईं, नशे की बातें सामने आईं, कुछ और तरह के पीयर ग्रुप के चैलेंजेस आए, स्ट्रेसेस आए, तब उस समय जो माता पिता ने समझाया होता है बच्चों को, जो मेडिटेशन के बारे में बताया, उसके बारे में पता चलता है और उसका वो उपयोग अपने जीवन को सेफ रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कर लेते हैं। डीएमसी लुधियाना में मेरी अपनी पत्नी से मुलाकात हुई, डॉक्टर नूपुर शर्मा से। तो जब कभी भी एग्ज़ाम से पहले वो कहती कि मुझे योग ध्यान करने आश्रम जाना है, धार्मिक प्रवृत्ति के चलते मैं भी उनके साथ आश्रम में जाने लगा। वहाँ जाके मैंने देखा बहुत सारी बहनें और तीन चार कमरे आश्रम के, उनमें जो भी आए, जिसके भी माइंड की कोई प्रॉब्लम है या उसको उस समय हिम्मत की ज़रूरत है, तो वो उनसे बड़े पॉजिटिवली बातें करके उनको धीरज और डांस बताती थी। और मेरी वाइफ को वहाँ पे, क्योंकि उनकी मदर भी पहले बीइंग ए डॉक्टर इस संस्था से जुड़ी थी, वो पहले से ही वहाँ जाती थी, और ऐसे धीरे धीरे मेरे को भी वहाँ की व्यवस्थाओं का पता चलना शुरू हुआ। फिर वो बाबा के रूम में जैसे बिठाना, वहाँ पे एक लाइट पे ध्यान देना, फिर उस लाइट की तरफ देखते हुए कुछ पल बैठे रहना और समय का ठहर सा जाना महसूस होता। फिर वो जो मुरली की बातें, उन बातों से जो बचपन में भगवद गीता, रामायण, जो भी कहानियाँ सुनी, जो भी सनातन धर्म के अनुसार पढ़ा, उन बातों से मेल खाना और मानसिक अनुभूति फील करना, ये सारा कुछ जो बहनें कह रही हैं या मुरली ने बाबा हमें याद कराने की कोशिश कर रहा है, हमें स्मृति दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारा कुछ सहजता से मुझे महसूस हुआ। फिर इस लॉजिक को भी, बीइंग ए साइंटिफिक माइंड, क्योंकि कहते हैं कि अगर सूर्य 8 मिनट के लिए बंद हो जाए तो पूरी की पूरी धरती ठंडी हो जाएगी और लाइफ धरती पे ख़त्म हो जाएगी। ये जो रोशनी या सूर्य की किरणें हैं, ये जो प्रकाश है, ये जो चमकता हुआ सितारा एक सूर्य, इसी से ही हम सारे चमकते हैं, उसी का प्रकाश। और वो इतना इंटेलिजेंट है वो लाइट, उसमें 7 रंग के रंग हैं, उसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि जब वो धरती में मिलता है तो कई तरह के जीव पानी में, धरती में पैदा कर देता है। तो उसके पीछे जो साइंटिफिक सोच है कि हम लोग प्रकाश की ऊर्जा है, उससे एक सच्चाई की अनुभूति होती है कि हम सचमुच ही वो चमकता हुआ सितारा हैं और वो लाइट ही है जो हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रही है।
फिर पुनर्जन्म की बात कही जाती है, फिर चार युग होते हैं। मुझे इतनी तो अनुभूति नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि एक बार मैं अमृतसर में जब पढ़ रहा था तो खडूर साहब नाम की जगह पे गया, तो वहाँ जाके मुझे लगा, मुझे बचपन से एक सपना आता था जैसे कि मैं एक ओल्ड ब्राह्मण हूँ और मैं रोज़ मंदिरों में जाता हूँ। जब मैं खडूर साहब पहुँचा तो वहाँ किसी दोस्त के मामा जी के बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने हमें इनवाइट करा। सुबह सुबह हमें वो बस स्टैंड पे छोड़ने आए, तो वहाँ पे जाके मुझे ऐसे लगा भी जैसे मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ। और एक तरफ मुझे ऐसे लगा भी यहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए और उस सीढ़ियों के आगे बहुत सारे मंदिर होने चाहिए। जैसे मैंने उस दिशा में मूव करा तो वो मैंने वहाँ सब कुछ पाया। वहाँ बहुत सारी 20-25 सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों के आगे 3-4 मंदिर थे। उसके बाद वो मुझे सपना आना भी बंद हो गया। तो ये जो बातें हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, इसकी कुछ एक अनुभूति मुझे महसूस हुई। और हमारी आत्मा हमें नए शरीर में जब लेके जाती है तो हमारे अंदर जो योग की क्रिया किसी जन्म में शुरू हुई होती है, हमें वहीं से ही वो फिर नया पाठ शुरू करा देती है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जैसे आश्रम्स में आते हैं या बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो वो अपने पुराने कर्मों के मुताबिक उनकी बुद्धि वहाँ पे कार्य करने लग जाती है और उनको अनुभूतियाँ भी अपने जो संजोए हुए पुराने कर्मों के अनुसार शायद होने लग जाती हैं। इसीलिए कुछ व्यक्ति शराब के ठेकों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ व्यक्ति पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ब्रह्मकुमारी संस्था में मैंने एक बहुत पॉजिटिव बात और अच्छी बात यह पाई कि ये संस्था हमारे समाज के बीच में रह के ही काम करती हैं और समाज का अंग बन के काम करती हैं। इनमें जैसे गली गली में बल्टाना जीरकपुर में बहुत सारे सेंटर हैं और इन सेंटर्स में आसपास के लोग मेडिटेशन करने आते हैं। और हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो सबसे बड़ी दुनिया को देन है या जो सबसे बड़ी दुनिया की ज़रूरत भारत पूरी कर सकता है वो है पीस, ग्लोबल पीस। आज इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा है, इतने ज़्यादा विकार आ गए हैं मानसिक प्रवृत्तियों में, सब कुछ होने के बाद भी मन में खालीपन सा रहता है। एक बार मैं किसी सत्संग में मैंने सुना कि खालीपन कितना ज़रूरी है, तो जो महात्मा ये बात कह रहे थे उन्होंने ये बात कही, ये खालीपन ही है जो आपको भरने के लिए आपको अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को, आपकी कमी को किसी तरफ खींचता है कि ताकि आप उसको भर सको। और ब्रह्मकुमारी आश्रम्स में आके जब आप योग ध्यान करते हो, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हो, उस ऊर्जा के बिंदु से जोड़ते हो, तो मन माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। मेडिटेशन में जैसे माइंड की एडिटिंग हो जाती है और माइंड की एडिटिंग में के बाद माइंड बहुत जब पॉजिटिविटी से भर जाएगा तो उसका आपको इस लोक में मींस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और परलोक में, जैसा कि हमने पहले बात करी कि परलोक की जो अनुभूतियां हैं उसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है। और कई बार ये होता है कि जैसे बचपन में मुझे लगता था कि योग करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें हो सकता है मानसिक विकार ना पैदा हो जाएं, जैसे ये कहा जाता है कि योग किसी गुरु की शरण में जाके ही करना चाहिए। बट जैसे ब्रह्मकुमारीज में एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले बहनों को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको पक्का करा जाता है उनके मन को, फिर वो आगे हमें मुरली सुनाती हैं और
फिर ही उस मुरली में जो भगवान के बाबा के वाक्य होते हैं उनका असर हमारे माइंड में धीरे धीरे पड़ने लग जाता है। और जैसे क्लास में हम जाते हैं रोज़, तभी हम पास हो पाते हैं। इसी तरह रोज़ रोज़ आपके पास, आपके घर के पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक सुविधा रहती है जिसमें आप अपने माइंड की एडिटिंग कर सको। और बहुत बार देखा गया है हम लोग उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं ये सोचते हुए कि हमें कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा, अगले साल कर लेंगे। हर अगले साल के साथ आप छोटे होते जा रहे हो, आप बढ़ नहीं रहे हो। और आप आसपास के किसी भी सेंटर में निःशुल्क जाके सुबह के समय कुछ एक अपनी लाइफ के साथ पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे हम नेगेटिव एक्सपेरिमेंट करते, रात को क्लब में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, पहले घर से तैयार होते, फिर मेकअप करते इतना ज़्यादा, उस पर पैसे खर्च होते, फिर गाड़ी पे बैठते, पेट्रोल खर्च के रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे लगाएंगे, वहाँ आप, आपका परिवार, आपके परिवार के आसपास के लोग, सबका ऑरा आपको इम्पेक्ट करता है। फिर आप एक भोजन खाते हो पैसे खर्च के, उस भोजन को बनाने की प्रक्रिया में किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। बीइंग ए डॉक्टर, जब कभी होटल के शेफ्स या उनकी फैमिलीज मुझे दिखाने आती हैं तो वो 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, और रात का काम तो उनको ड्रिंक करके ही करना पड़ता है, इतने ज़्यादा वो स्ट्रेस। और तो जब आप किसी संस्था में, जैसे ब्रह्म कुमारीज में सुबह आए, यहाँ आपको सारे श्वेत कपड़ों में मिलेंगे, आपको एक शांति और पीस की अनुभूति होगी। जो आपका माइंड चाह रहा है, जो आपके माइंड का खालीपन चाह रहा है कि मुझे पॉजिटिविटी मिले, मेरे को ताकत मिले, मेरे को रिलैक्सेशन मिले, जो वो रात को ढूंढ रहा था पैसे खर्च के, वो सुबह सैर करता आता है बिना पेट्रोल खर्चे, एक ही रंग के कपड़े पहन के आता है, बिना कोई ज़्यादा मेकअप की भी उसको ज़रूरत नहीं है। फिर वो आराम से बैठ के अच्छी संगत में, जहाँ पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ अपने माइंड को जानने की कोशिश करता है। क्योंकि आज के समाज में माइंड के का ठहर जाना, माइंड के अंदर श्रद्धा प्राप्त हो जाना, माइंड का टिक जाना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है। क्योंकि माइंड को डिस्ट्रैक्शन, और ये कहा भी गया है कि कलयुग में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगी कि आपका माइंड रुक ही नहीं पाएगा, और जब रोकने की कोशिश करोगे तो तब आपके माइंड के ऊपर और ज़्यादा पावर्स हावी हो जाएंगी। पर जब आप रोज़ रोज़ करोगे क्लास में आके, और संगत में ही कोई व्यक्ति गुणी या दुर्गुणी हुआ करता है, जब आप अच्छी संगत करोगे और उसके बाद जब आपको कभी कभी बाबा का भोजन मिलेगा जो सात्विक तरीके से बना हुआ है और जो निःशुल्क भी है आपके लिए, और जो सेवा भाव से बनाया गया है, जो आपका माइंड बाहर से खोज रहा था, व्यसनों में खोज रहा था, और खोजते खोजते भी उसका वो भरा नहीं जा रहा था, वो फिर भरने लग जाएगा। क्या मेरा भरा? आधा पचादा। कैसे भरेगा? अभ्यास से, वैराग्य से। ये ग्रंथों में भी लिखा गया है, ब्रह्म कुमारीज में यही मैसेज है कि जब हमारी श्रद्धा टिक जाएगी एक जगह पे, और टिकने के बाद अभ्यास होगा, अभ्यास के साथ थोड़ा वैराग्य होगा, थोड़ा नेगेटिविटी से आप पीछे हटेंगे, तो धीरे धीरे जो आपको शांति की अनुभूति होएगी, जिसको ओम शांति करके उच्चारण करा जाता है बार बार, वो अनुभूति आपके अंदर ठहरने लग जाएगी। पर इसके लिए, जैसे पहली कक्षा के बच्चे को ABC सिखाने के लिए कई बार 20-25 दिन महीना लग जाता है, कई बार उसको थोड़ा डांटना पड़ता है, हमारे टाइम में तो डंडे भी पड़ते थे उसको कई बार, इसी तरह शुरू शुरू में आपको वो सब चीज़ें सीखने के लिए अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप कैसे इन सब चीज़ों के तैयार होकर एक ऐसी अनुभूति कर सकते हो जिससे आपका माइंड खुशी से भर जाएगा। और अगर आपके पास खुशी है तो आप जब यहाँ से घर जाओगे तो खुशी भर के घर लेके जाओगे, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उसी तरह की खुशी से इन्फेक्ट कर दोगे, उसी तरह की खुशी से भर दोगे। और ऐसा करने से परिवार में सुख, खुशी और जो पैसे बचेंगे
समृद्धि और जो हिम्मत आएगी आपके अंदर और काम करने की, परिवार को आगे बढ़ाने की, वो परिपूर्ण हो जाएगी, जिससे आपका ये जो सामाजिक स्थिति है वो भी इम्प्रूव होगी और जो आपने अगले जन्म में अपना सुधार करना है उसकी राह पे भी आप चल सकोगे। ये सबके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आओ मिलके 3 बार ओम शांति का उच्चारण करें। ओ Oh.